अब आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये क्लॉक्स और क्रॉक्स में ना कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्रॉक्स एक ब्रांड का नाम है और क्लॉक्स उसके स्टाइल का नाम है। हाँ, ये सच जरूर है कि क्रॉक्स ने बहुत स्मार्टली प्ले करते हुए क्लॉक्स से रिलेटेड नाम रख लिया है ताकि लोग क्रॉक्स के क्लॉक्स खरीदें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो क्रॉक्स के क्लॉक्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इस वीडियो में हम क्लॉक्स के बहुत ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन आपको दिखाने वाले हैं जो कि अमेजोन में है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं हमारा पहला क्लॉक्स। ऑलराइट, हमारे पास पहला ये हमारा प्रोडक्ट अमेज़न का ये पैकेज, पहला प्रोडक्ट हम देखने वाले हैं ना वो एक्चुअल क्लॉक्स के क्लॉक्स देखने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पर अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी गई है, जैसा मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पर लिखा गया 3,995 रुपए। और अगर आप इस वक्त भी जाकर किसी भी क्लॉक्स के शोरूम में जाकर ये क्लॉक्स खरीदोगे ना तो आपको यही प्राइस पे करना पड़ेगा। वैसे अमेज़न पे इतना आपको पे नहीं करना है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे नए कैमरे से शूट हो रही है। अगर मैं अभी ऐसे भी करूंगा ना, बड़ा बड़ी फोकस होकर ऐसे करूंगा तो मैं फोकस हो जाऊंगा, जिससे बहुत ज्यादा आसानी क्रिएट हो रही है। वैसे देख लो, ये सीधा ना शायद मॉल से या स्टोर से निकाल के भेज देते हैं। ये ऐसा लटकन चटकन दही चटाकन यहाँ पर आपको मिल जाता है, इसको निकाल लेते हैं। इसमें भी क्रॉक्स की ब्रांडिंग है। देखो, क्रॉक्स के ना बहुत बहुत नहीं बोलूंगा, लेकिन 2000 के आसपास से ना इसकी स्टार्टिंग होती है, तो वो ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये ना थोड़ा सा हाई एंड वेरिएंट वाला है। मतलब होता है ना कि ब्रांड का स्टार्टिंग प्राइस, मिड प्राइस और एकदम हाई एंड प्राइस, ये मिड प्राइस वाला ना क्रॉक्स है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें ना, तो डेफिनेटली ये जो रबर यूज किया जाता है ना, रबर फोम, यही सारे आपको क्लॉक्स में देखने को मिलेगा। अगर इसमें कुछ अलग है तो ऐसा इसमें क्लॉक्स कुछ मेंशन नहीं करती कि हम ये चीज यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन इंडोनेशिया। अब ये जो होल्स है ना, ये तो ऐसे वेंटिलेशन के लिए काम करते ही है, लेकिन इसमें ना क्या होता है कि आप अलग अलग ना क्लॉक्स के बैजेस लगा सकते हो, जिसको आप कस्टमाइज करके अपना सेट कर सकते हो। मैं एंड में आपको दिखाऊंगा कि वो बैजेस कैसे होते हैं। ये ना थोड़ा सैंडल टाइप का डिजाइन बनाया गया है। यूजुअली क्या होता है ना कि क्लॉक्स में ऐसे करके एक रबर का स्ट्रैप होता है, जिसको आप ऐसे करके पहन लेते हो, अपने एंकल पे फंसा लेते हो। इसमें क्या है कि आपको एक वेलक्रो टेप मिल जाता है। तो मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा मिड पार्ट वाला है, इसमें थोड़ा अलग अलग ना आपको इनोवेशंस देखने को मिलेगा। नीचे देखोगे तो यहाँ पर हार्ड रबर का यूज किया गया। कलर कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा क्लॉक क्रीम कलर का मिलता है, जो कि बहुत अच्छा कलर है गर्मियों के लिए खास करके। अंदर में बहुत सारे आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे। नीचे लिखा गया आइकॉनिक क्लॉक्स कंफर्ट। अंदर में हनीकॉम्ब डिजाइन मिल जाती है, जिससे क्या होता है ना कि एक नेचुरल ना कंफर्टेबल फील होता है अंदर की तरफ, ऊपर के सरफेस में। यहाँ पर भी आपको वेंटिलेशन होल्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ नीचे देखोगे ना, नीचे भी क्रॉस की पूरी ब्रांडिंग, वेबसाइट की ब्रांडिंग और सारी चीजें मिल जाती है। ऊपर भी आपको ऐसे क्रिस क्रॉस टाइप के बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाते हैं, जो कि साइड साइड में है। पीछे देखोगे ना तो एक रबर अलग से यूज किया गया, जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। पीछे क्रॉस की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ये बस रेड कलर में है। और नीचे का ये जो दो पुंटू है ना, ये रेड कलर में है, जो कि हार्ड रबर है। एंड में भी ना यहाँ पर रबर टिप दी गई है, थोड़ा सा डिजाइन को मैच करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर ना बहुत हाई क्वालिटी प्लास्टिक का यूज किया गया है, और उसमें भी ना क्रॉक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंपनी है ना, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्रोवाइड होगा, और देखने में ना थोड़ा प्रीमियम डेफिनेटली लगता है। साथ ही साथ अगर आप इसे सामने से देखोगे ना, तो बहुत ज्यादा ना अलग डिजाइन का लगता है, और डेफिनेटली ऐसी डिजाइन ना आपको दूसरे क्रॉक्स कंपनीज में ना नहीं देखने को मिलेगी। देखने में ना आइकॉनिक लगता है कि हाँ, कुछ आपने महंगी चीज पहन रखी है। हालांकि सच ये भी है कि इस आइकॉनिक चीज के लिए ना आपको पे बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अब जितने भी लोग ना प्राइस को देख के डर गए ना कि भाई शायद हमें भी 4,000 या 3,000 के आसपास पे करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक 19 मार्च को इस वक्त ये मिल रहा है 1,800 रुपए के आसपास, जो कि एक बहुत ज्यादा ग्रेट ग्रेट डील है। और अगर आप शॉर्ट्स पहन रहे हो गर्मी में, जो कि पहनने वाले हो, शॉर्ट्स के साथ या ट्राउजर्स के साथ या समर में किसी भी समरी कपड़े के साथ ना, बहुत ज्यादा क्लॉक अच्छा लगता है। इसके बाद जितने भी हम क्लॉक्स एक्सपीरियंस करेंगे ना, वो सारे बजट फ्रेंडली है और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में और अलग अलग क्वालिटीज में है, उसे आप देख लेना। इसका प्रोडक्ट लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और चलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग क्लॉक्स की तरफ। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट अफोर्डेबल ऑप्शन हमारे पास आ गया है। अगर इसके ब्रांड की बात करें ना, यहाँ पर आपको कोई भी ब्रांडिंग नहीं मिलती, लेकिन इसके ब्रांड का नाम है वर्साची। एक ऐसे ना थाईलैंड टाइप के प्लास्टिक में आता है, फटाफट इसे निकाल लेते हैं। कंपेयर अगर करें वेट की ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको भारी फील होगा, लेकिन एक बहुत ज्यादा नोटिसेबल चीज है ना कि इसका जो सोल है ना, बहुत ज्यादा थिक है। सेम आपको यहाँ पर मिल जाएगा वही सेम डिजाइनिंग क्लॉक्स वाली पूरी। यहाँ पर आपको अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा डुअल स्पोर्ट्स कंफर्ट। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गम की स्मेल आ रही है। यहाँ पर आपको पूरा ग्रे कलर का क्लॉक्स मिल जाता है, जिसपे ना ब्लैक कलर के ना पेंट स्प्लैश किए गए, बहुत ज्यादा खूबसूरत डिजाइन है। साथ ही साथ यहाँ देखोगे ना, लाइट कलर का इसका स्ट्रैप यूज किया गया, एंकल स्ट्रैप। इसके रबर की क्वालिटी ना अच्छी है। अंदर की तरफ आपको हनीकॉम्ब डिजाइन मिल जाएगी। इसके अंदर में देखोगे ना तो थोड़ा सा टेक्सचर मिलता है, लेकिन अंदर कोई ना ऐसा पैटर्न डिजाइन नहीं बना हुआ है। ऊपर में देखोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी और टेक्सचर डिजाइनिंग मिल जाती है। साइड साइड वही टेक्सचर को यूज किया गया है। सेम आपको क्रॉक्स वाला जो होल्स है वो मिल जाता है। तो अगर आप क्रॉक्स नहीं खरीद
खरीद रहे हो और ये खरीद रहे हो ना, स्टिल आप इस पे बैच लगा सकते हो और अपने क्लॉक्स को खूबसूरत बना सकते हो। इसके मूवमेंट की बात करें ना, ये भी बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा है। इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है और ये रबर ना बहुत ज्यादा ना स्मूथ है। नीचे देखोगे ना लिखा हुआ है लिमिटेड एडिशन। अगर इसके रबर के कंफर्ट की बात करें ना, डेफिनेटली उंगलियों से ना आप इजिली इसे प्रेस कर सकते हो और ऐसा लगता है ना कि कोई बहुत अच्छे जूते का ना सिर्फ सोल लेकर ना क्लॉक्स को डिजाइन कर दिया गया। और साथ ही साथ इसके फिटिंग की बात कर लेते हैं, 9 नंबर मैंने खरीदा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोकल ब्रांड्स में क्या होता है ना कि 9 नंबर खरीदो लेकिन वो 9 थोड़ा 8.5 जैसा होता है या 9 थोड़ा 9.5 जैसा होता है। इसकी 9 वाली फिटिंग ना पूरी एकदम 10/10 थी, पूरा एकदम आइकॉनिक क्रॉक्स वाली डिजाइनिंग है। बस आपको क्रॉक्स वाला पैसा नहीं पे करना है इस क्लॉक्स को खरीदने के लिए। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें ना, इसकी MRP 500 रुपए है। देखो स्टिल ब्रांड बहुत ज्यादा हाइप ऐसा जबरदस्ती का कचरा नहीं कर रही है प्राइसिंग के मामले में, ये आपको 500 के अंदर मिल जाएगा। बेस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में। हम फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग प्रोडक्ट क्लॉक्स की तरफ। ऑलराइट, हमारे पास नेक्स्ट आ गया हमारा क्लॉक्स। इसमें देखो इसकी ब्रांडिंग आप सब जानते हो बहुत ज्यादा खास है। इसकी ब्रांडिंग है भाई कर्रासा, कर्रासा के जूते हमने बहुत ज्यादा पहन रखे। और आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं होली के दिन, तो आपको हमारी मेहनत का अंदाजा लग गया होगा, हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं फेस्टिवल में भी। प्लीज इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए, थॉट शेयर करिए वीडियो, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इसके प्राइसिंग की बात करें, यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी गई है 1399, विच इज 1400 ऑलमोस्ट। लेकिन आपको इतना पे नहीं करना, पे कितना करना वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। ऑलराइट, इसकी भी डिजाइनिंग ना बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। इस क्लॉक्स को बनाया तो गया, लेकिन ना जो क्रॉक्स के जो क्लॉक्स होते हैं ना, उससे ना आसपास भी ना नहीं दिखता है। अगर इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करें, यहाँ पर आपको 2 कलर देखने को मिल जाएगा, एक तो ब्लैक है और एक ग्रे है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा कलर है। स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करें ना, अच्छा थोड़ा स्ट्रेच होता है, अच्छे से मूव करता है। प्लास्टिक की क्वालिटी ना बहुत ज्यादा अच्छी है, ग्लॉसी प्लास्टिक है। साथ ही साथ इसके अपर बॉडी की बात करें ना, पूरा आपको एक तो प्लास्टिक रबर का मिल जाएगा, प्लास्टिक और रबर टाइप का मिक्सअप होता है। इसमें आपको वो क्रॉक्स वाले ना होल्स नहीं मिल जाएंगे, तो इसमें आप वो बैजेस नहीं लगा सकते। लेकिन ये भी बता दूं कि बैजेस के दाम भी ना बहुत ज्यादा होते हैं, तो एक बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन भी नहीं होता अनलेस आपको अलग से कुछ अपना ही क्रिएट करना हो। सोल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीछे भी देखोगे ना तो नीचे हार्ड रबर यूज किया गया स्टिल, और इसके आउटर सोल में बहुत सारे आपको ग्रिप्स मिल जाएंगे, नीचे लिखा गया नंबर 43। और इसे खरीदने का एक और रीजन ये भी हो सकता है ना कि अगर आपको क्रॉक्स वाला क्लॉक्स नहीं चाहिए और कुछ अलग पहनना है लेकिन क्लॉक्स जैसा ही दिखना चाहिए, तो ये आपके लिए ऑप्शन अच्छा हो सकता है। अगर आपको समर में कुछ पहनना है और आपको स्लीपर नहीं पहनना है, क्योंकि उसे सनबर्न हो जाता है और स्लीपर के दाग आ जाते हैं, पैरों में दिखते ना ऐसे पट्टी और बाकी जला हुआ मेरा सरफेस, तो उससे ना आपको क्लॉक्स बचा सकता है। और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश भी होता है, चाहे आप ओवरसाइज टी शर्ट पहन रहे हो या टी शर्ट पहन लो या फ्लोरल शर्ट या फ्लोरल शर्ट पहन या फ्लोरल या फ्र या फ्रोलर वाला या फूल वाला सेट पहन रहे हो, समझ रहे हो ना, मेरा मुंह से नहीं निकल रहा। ये आपको Amazon पे अंडर 600 मिल जाएगा। स्टिल देखो बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसके लिए आप जा सकते हो, आपको पसंद आएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। हम फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट बहुत ही अमेजिंग क्लॉक्स की तरफ। ऑलराइट, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना, अभी हमने इतना जूता जूता कर दिया ना, तो आप उसी टाइप का एक ऑप्शन दिखाता हूँ, कजार मैक्स। बहुत ज्यादा होली जैसा प्रिंटेड बनाया गया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें, यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर लिखा गया है, भावनाओं में बह गया था, लाइट ही पार कर दिया। यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी गई है 1999, लेकिन आपको उतना पे नहीं करना है, आपको पे करना है महज 1000 के अंदर, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑप्शन है। ऑलराइट, ये रहा हमारा नेक्स्ट मास्टरपीस। समझ लो ना कि जूता ही है, ऐसा टाइप का इसका लुक बनाया गया, बस क्रॉक्स वाली डिजाइनिंग दी गई है। यहाँ पर इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करें ना, इसका सोल आपको मिल जाएगा व्हाइट कलर का, जो कि रबर फोम सोल है, बहुत अच्छा फोम है इसमें। अपर बॉडी इसकी बनी गई है कैनवस मटेरियल से, जिसमें ना बहुत ज्यादा ना मेशिंग की गई, यानी बहुत छोटे छोटे छेदे हैं, और अंदर से ना कपड़ा अटैच किया गया स्मूथनेस के लिए। अब इतने छेद होने से क्या होता है कि वेंटिलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हवा अच्छे से आएगा जाएगा। कलर्स की बात करें ना, तो ग्रेडिएंट कलर यूज किया गया है, यानी ब्लैक ब्लू और एकदम लाइटर ब्लू टाइप का यूज किया गया है। प्योर लेदर या सिंथेटिक लेदर टाइप का कुछ लेदर है वो इसमें यूज किया गया, बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है। बॉर्डरिंग की गई है ना, तो एक बहुत खूबसूरत लुक लेकर आ रहा है, आप इसे सामने से देख सकते हो। अगर इसके ना एंकल सपोर्ट की बात करें ना, ये वाला जो स्ट्रैप होता है, ये ना मुझे बस थोड़ा सा ना कमजोर वीक लगा। ऐसे अच्छी भी बात है, थोड़ा सा आराम से रहेगा पीछे में, अब ज्यादा खींचोगे तानोगे ना, तो ये मे भी बहुत
बहुत जल्दी फट सकता है, लेकिन उतना कोई क्यों खींचेगा जब आपका पैर यहीं तक आ रहा है, तो इतना दूर ले जाने का क्या जरूरत है। पीछे देखोगे तो कजार मैक्स की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, ये भी बहुत अच्छे से मूव करता है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नीचे आपको सेम जूते की तरह पूरा सोल मिल जाता है, कंफर्ट भी एकदम जूते वाला, इनर सोल इसका बहुत कंफर्टेबल है। अंदर में आपको कजार मैक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी, मेड इन इंडिया है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये भी एकदम बिल्कुल जूते वाला टाइप का फ्लेक्स होता है, बहुत अच्छा मटेरियल बनाया गया। मतलब समझ लो ना कि पूरा जूता बनाया गया, पीछे वाला ऐसे करके हटा दिया गया और ये रबर डाल दिया गया, बन गया एक बहुत खूबसूरत क्लॉग्स। इसके 3-4 अलग अलग आपको कलर पैटर्न्स भी मिल जाएंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। फटाफट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अमेजिंग क्लॉग्स की तरफ। ऑलराइट, हमारे जो नेक्स्ट अमेजिंग क्लॉग्स है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डिजाइन के साथ आता है। अगर इसके ब्रांडिंग की बात करें ना, यहाँ पर आपको कोई ब्रांडिंग नहीं मिल जाती, लेकिन इसके ब्रांड का नाम है पेनिलो। जस्ट लुक एट दिस, बहुत ज्यादा डिफरेंट एकदम लगता है ना ऐसा क्लॉग्स ना, एस्ट्रॉइड लेके ना पूरा ऐसा करो, मोटा तगड़ा सा हो गया नीचे तरफ। ऊपर यहाँ देखोगे तो वही आपको सेम क्लॉग वाली होल्स मिल जाएंगे, जहां पर आप डिजाइनिंग बैचेस लगा सकते हो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं ना कि क्लॉक्स की तरह ना बहुत ज्यादा प्लेन प्लेन है। फ्रंट में देखोगे ना तो यहां पर बहुत अच्छे से टेक्सोग्राफी की गई है, यहां पर लिखा गया है All 4 1 4। वैसे पीछे देखोगे तो यहाँ पर पीछे लेके आप बहुत बड़ा बड़ा स्माइल, ग्रे कलर में पूरा क्लॉक्स को डिजाइन किया गया है, और उसमें ना ये जो टेक्सटोग्राफी ना बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाती है इसे। इसके सोल के थिकनेस भी देखोगे ना तो बहुत ज्यादा थिक सोल इसमें दिया गया है। वैसे यहाँ पर ऐसा देखने से लगता है ना डिग्री खाने वाला जो कटोरा नहीं होता, उस टाइप की यहाँ पर डिजाइनिंग दिखती है। साइड में देखोगे ना तो एक अलग सा पैटर्न डिजाइन किया गया जो कि बहुत खूबसूरत और थिकनेस इसमें ना ऐड करता है। नीचे भी देखोगे ना सोल ऐसा लगता है ना कि डेरी मिल्क बबली का ना डिजाइन यहाँ पर ना ऐसा करके डिफाइन किया गया। डेरी मिल्क, अगर आपने बबली खाया, डेरी मिल्क बबली, सेम वैसे ही दिखता है ये भी। और देखोगे यहाँ पर बहुत छोटे छोटे ऐसे करके प्रिंट्स आपको मिल जाएंगे, नीचे लिखा गया इसकी साइजिंग। कंफर्ट की बात करें, इसका रबर सेम देखो बहुत ज्यादा स्मूथ है, उंगलियों से उतना नहीं दबता है, मतलब दबता है लेकिन जितना पैर का प्रेशर लेगा उतना उंगली थोड़ी दबा पाएगा मेरा भाई। अंदर देखोगे तो बहुत ज्यादा ग्रिप्स आपको मिल जाएंगे पैर को एक जगह रखने में। ऊपर की तरफ सरफेस देखोगे ना, ऊपर में आपको हनीकॉम डिजाइन मिल जाती है, भी ना थोड़ी डिजाइनिंग की गई है रबर को इंग्रूव करके, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, माइनर माइनर डिटेल्स है। अगर इसके प्राइसिंग की बात करें ना तो ये आपको मिल जाएगा डेरी मिल्क बबली वाला और स्माइल वाला क्लॉक 700 के अंदर। हम फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन की तरफ। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट अमेजिंग बॉक्स हमारे पास आ गया, जिसके अंदर एक बहुत खूबसूरत क्लॉक, और ये इस वीडियो का ना सबसे बजट अफोर्डेबल ऑप्शन है। अगर इसके कंपनी की बात करें, आप सब फेमिलियर हो इस कंपनी के नाम के साथ, एक्वालाइट, किसको नहीं पता, मेड इन इंडिया, बल्ले बल्ले। अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया है 314 रुपए। भाई 314 रुपए किसको देने में प्रॉब्लम है एक क्रॉक्स के लिए, फटाफट निकाल है, लेकिन आपको इसके इससे भी कम में मिल जाएगा, डोंट वरी। ऑलराइट, देख लो इतना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन इसमें यूज किया गया, जबरदस्त लग रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ था 314 रुपए, ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा 308 रुपए में। थोड़ा सा देखो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो रबर इसमें क्वालिटी कम है, लेकिन ऐसा बहुत प्रॉब्लमेटिक वाला कम नहीं है। साइड में आपको एक्वालाइट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, पीछे आपको अच्छा खासा ग्रिप मिल जाएगा। इसको भी पहनने में ना ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं फील होता है दूसरे वाले क्रॉक्स की तरह, हालांकि बहुत सारे लोगों को डिजाइन इतना अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर बहुत सारे होल्स मिल जाएंगे आपको वेंटिलेशन के लिए, इस पे आप ना बैजेस नहीं लगा सकते, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। साइड में भी आपको वेंटिलेशन के लिए बहुत सारे होल्स मिल जाते हैं, ये काइंड ऑफ ना शू वाली डिजाइन है। इस पे ये जो बैक वाला है ना, ये ऐसा करके राउंड नहीं होता, लेकिन आराम से जब आप पैर घुसाओगे ना तो ये स्ट्रेच होता है और आप इजिली अपने एंकल को ऐसे खेल के एडजस्ट कर पाओगे। अंदर में भी आपको एक्वालाइट की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अब इसके कलर की बात करें ना, ये थोड़ा ना समझ लो कि ग्रीनिश और ग्रेश का ना मिक्सअप टाइप का कलर है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी फील होता है, डार्क ग्रीन, और ना थोड़ा थोड़ा ग्रे टाइप का भी फील होता है। नीचे देखोगे ना, इसके कलर को, इतने डार्क कलर को इनहांस करने के लिए ना इसमें बहुत खूबसूरत कैंडी ब्लू यूज किया गया है। कलुआ खसुआ टाइप का ना ये जो इसका अपर बॉडी का कलर है ना, उसको बहुत ऊपर इनहांस कर देता है ये कैंडी ब्लू कलर। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आता ना, इसके लाइक डजंस ऑफ कलर अवेलेबल है अमेजोन पे, इसको आप आराम से जाकर सेलेक्ट कर सकते हो, बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक क्लिक करना है। और देखो ऐसे ना बहुत सारे मैं आपको ऑप्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके हर विशेष को पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम एंड में देख लेते हैं कि आखिर बैजेस कैसे होते हैं क्लॉक्स वाले। और जब ये पैकेज पहुंचा था तो मेरे को ऐसा लगा ना भाई, हमने तो कुछ मंगाया था ना, ये सील पैक डब्बा भेज दिया गया, ये इतना लाइट वेट है। फटाफट इसे निकालते और देखते क्या होता है बैजेस क्रॉक्स का। वैसे आपको ये भी बता दूं कि जो क्रॉक्स है ना, ये बैज को ना चार्म्स बोलती है अपने स्टाइल में। यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी गई है
800 रुपए और आपको कितने बैजेस मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ओनली 5 बैजेस के लिए 800 रुपए चार्ज कर रही है। देखो पैकेजिंग ऐसी है, यहाँ पर मैंने एक अलग ऑप्शन मंगा लिया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे। यहाँ पर एक है डम्बल, एक है हेडफोन्स, एक है बाइसेप्स, एक है पिज्जा और एक लेपर्ड का साइन है। फटाफट देख लो ये कैसे वर्क करता है। जैसे ये क्लॉक्स लिया आपने, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, ये म्यूजिक वाला बैच ऐसे करके अटैच कर दिया, तो ये हो गया यहाँ पे म्यूज। अब इसमें एक प्रॉब्लम चीज क्या लगती है ना मुझे, मान लो अगर मैं एक पैर में 5 लगाना चाहता हूँ तो दूसरा में क्या लगाऊंगा, कम से कम 10 दो ना भाई, कि दोनों पैर में सेम चीज, एक चीज दो दो दे दो, इसमें भी वो उसमें भी वो। और अगर आपको ये क्रॉक्स नहीं खरीदना है ना, तो फिर अगर आप ये ऑप्शन चूज कर रहे हो तो आप इसमें भी ये चीज लगा सकते हो। देखो इसमें मैंने ये डंबल लगा दिया, इसकी भी लिंक मैं दे दूंगा, जितनी भी अलग अलग टाइप के लिंक्स होंगे। वैसे ये ना जो है ना, ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं समहाउ। बस यही था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी वीडियो हमने ऑलरेडी प्लान करके रखे हैं और इस बार ना बहुत सारे अलग अलग कंपनीज को हम कैच कर रहे हैं, ताकि आपको बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज दिखा सकूं और आपको अलग अलग शॉपिंग साइट्स को एक्सपीरियंस करवा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।